इन कंडीशन में वो जीत सकता है। श्रीलंका, आपने सही कहा, श्रीलंका शायद श्रीलंका से बाहर जाके इतनी सफल टीम नहीं हो अच्छी टीमों के खिलाफ, लेकिन यार ये इस मैदान में इस जगह पे 80s से उठा लो, 90s से उठा लो, ये उठा लो, ये इनका किला है, ये गढ़ है, यहाँ पे हारती नहीं है। अब आइडली बहुत कुछ चाहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो, मैं तो कहता हूँ हम भी चाहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही फाइनल, क्योंकि देखिए मेरा तो कल ये भी मानना था कि एक इंडिया ने मैच जीत लिया, सपोज फाइनल आता है हाइपोथेटिकली अगर इंडिया फिर जीत जाता है तो वर्ल्ड कप से पहले ना वो थोड़ी टेंशन कम रहेगी, ये तो 14 अक्टूबर को बहुत माहौल बन जाएगा, क्योंकि जितना ही आपस में खेलेंगे ना थोड़ा सा नर्व भी सजना हो सकता है, फाइनल में पाकिस्तान जीते, ऐसा नहीं है पाकिस्तान आए उस दिन पाकिस्तान गलती ना करे फिर शुरू में दो आउट करते, यू नेवर नो। अमेरिका रिजवान पांच पे खेलेंगे यहाँ पे शायद, सौ शकील आपके मोहम्मद चार पे, मैं एक बड़ा आंकड़ा देख रहा था, एक स्टैंड देख रहा था, शायद 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के किसी नंबर चार का 100 नहीं है, अगर ये सही है तो यार ये तो बहुत बड़ा मिसिंग रूल है, रिजवान आई थिंक पांच और सौ शकील आई थिंक चार हो सकते हैं, बात तो बाबर पे आ जाती है ना, बाबर को रन बनाने होंगे, बोला भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सीनियर थे, काफी साल बाद उनको मिला भी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा हो जाए हाइब्रिड मॉडल का, शायद आपकी कंट्री को फायदा हो जाए हाइब्रिड मॉडल का, कि कल को आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ये मैचेस होस्ट किए, पर मैंने कहा आपने अपनी टीम को शायद नुकसान कर दिया, क्योंकि प्लेयर्स अब नहीं बोल सकते ना, बट प्लेयर्स को तो आपने मतलब मुर्गी की तरह बस वो इधर से उधर उधर से उधर ही भगा रहे हो ना, तो आप इतनी मतलब एक्सपेक्टेशंस कैसे हो सकती है कि टीम उतना ट्रैवल भी कर ले, और बड़े प्लेयर्स होते हैं यहां पर, आप चाहे श्रीलंका की तरफ देखोगे तो उतने आप बड़े प्लेयर्स में नहीं किसी को गिनोगे, बट इधर से बाबर आजम पर फिर स्पॉटलाइट होगी, उनका फेलियर बहुत ज्यादा चर्चा की बात बनेगी और सब कुछ होगा, तो कल क्या वो एक पेज की तरह करें और ओन करें बाबर आजम की टीम को, उनका तो ऑलरेडी क्रिटिसिज्म दो दिन ही तो हुए 48 घंटे 70 घंटे हुए, वो ऑलरेडी उनको विलन बनाना शुरू कर चुकी है दुनिया, तो अब लेकिन वो मेंटली अगर स्ट्रांग है तो उससे पहले भी उन चीजों से लड़के आए, तो हम बात ज्यादा पाकिस्तान की कर रहे हैं, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान बिलो पार, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पार पे भी चला जाए, जो अवेलेबल 11 है पार भी खेले, ऐसा था जो बॉलिंग का अच्छा ऑप्शन देता था बैटिंग का, पर आपने ना कुछ खिलाड़ियों को अपना अपना करने के चक्कर में ना कुछ अच्छे खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी कर दिया, यार चलो ये खेल जाएंगे ये थोड़ा मेरे करीब, देखो धीरज ये मालूम नहीं है कि इमाद, मुझे भी इमाद जब वर्ल्ड टी20 में उनको देखा था 21 में मुझे भी लगा इमाद इज अ गुड प्लेयर, पर मैंने इमाद के भी फिर स्टैट्स उसके बाद देखे, क्योंकि ये सब बहुत चल रहा है ना, उनके भी वनडे में स्टैट्स डिप होने शुरू हो गए, अब प्रॉब्लम है कि आपके पास जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिन कराने वाला स्पिनर चाहिए, और मतलब एक जमाने में ये कहते थे कि जी पाकिस्तान स्पिनर्स प्रोड्यूस करता था, इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर्स प्रोड्यूस करता था, ये 70s और 80s और 90s तक की बात है, अब तो मतलब पाकिस्तान के पास स्पिनर्स ही नहीं है यार। अस्सलामुअलैकुम सामईन कराम, जैसे कि आपको पता है आज पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका खेला जा रहा है, पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला जीतना इंतहाई जरूरी है, विक्रांत गुप्ता के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज श्रीलंका को उसी की होम ग्राउंड में शिकस्त देना है, विक्रांत गुप्ता के मुताबिक श्रीलंका फिलहाल फेवरेट टीम के तौर पे उतरेगी और पाकिस्तानी टीम में इस वक्त 5 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। आया ये इतनी बड़ी तब्दीलियां इस मैच में कारामत साबित हो सकती हैं? पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, आज का मैच जीतने के बाद पाकिस्तान एक दफा फिर भारत के साथ फाइनल में टकराएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस का मुजहरा करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।